सो गाइस आईपीएल खत्म होने के बाद सभी फैंस के दिमाग में एक ही चीज यहाँ पे सवार है और वो है मेजर क्रिकेट लीग। हाँ गाइस, इस लीग को लेके यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, ये लीग काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है सभी फैंस के दिमाग में, क्योंकि ये जो लीग है वो वन ऑफ द टॉप लीग मानी जा रही है और ये जो पूरी की पूरी जो सब चीजें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी आईपीएल के ही लिहाज से। हाँ गाइस, आईपीएल से रिलेटेड सब चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, टीम भी है, खिलाड़ी भी आईपीएल से रिलेटेड है। और यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं शॉट एनालिसिस, यहाँ का आज होने वाली है टेक्सास सुपर किंग की शॉट एनालिसिस, यानी कि शॉट एनालिसिस करने वाला हूँ, जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये चार चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि इस टीम में दिखती हुई नजर आ रही है और सेम टू सेम यही चीज हमें दिखता हुआ नजर आएगा अगर हम बात करें यहाँ पे इस लीग में, यहाँ पे टेक्सास सुपर किंग्स को। सो गाइस, आपको करना क्या है, वीडियो अभी प्ले के पूरा इंटरनेट देखना, और जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं शॉट एनालिसिस की, और गाइस सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करेंगे। हाँ गाइस, हम लोग पूरे तरीके से स्ट्रेंथ की बात करने वाले हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली स्ट्रेंथ इनकी दिखती हुई नजर आ रही है वो आ रही है टॉप ओपनिंग कॉम्बिनेशन। आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि एक तरफ कॉनवे है, दूसरी तरफ पाप डुप्लेसिस है। इन दोनों को आईपीएल से कंपेयर किया जाए तो इन दोनों खिलाड़ियों का मिला के लगभग यहाँ पे 13-14 रन है पूरे आईपीएल में, और अगर ये 13-14 रन वाले खिलाड़ी अगर किसी टीम में, एक ही टीम में हो तो वो सही में काफी डेंजरस टीम साबित हो जाती है। और गाइस, ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सामने आ रही है। दूसरी चीज की बात करें तो मिडल ऑर्डर बैटिंग, मिडल ऑर्डर में इनकी बल्लेबाजी काफी चाबुक दिखती हुई नजर आ रही है, जहां पे इनके सबसे बड़े जो खिलाड़ी बनने वाले हैं वो डेविड मिलर बनने वाले हैं। हाँ, डेविड मिलर इनके लिए सबसे बड़े यहाँ पे बेहतरीन और यहाँ पे खिलाड़ी रहने वाले हैं, क्योंकि इनके पास फॉर्म है और ये खिलाड़ी कुछ बेहतर करके जाएगा। और इस तरीके से दूसरे इनके रहने वाले स्ट्रेंथ, तीसरी की बात करें तो यहाँ पे है गुड ऑलराउंडर यहाँ पे सिलेक्शन, इनके पास ऑलराउंडर्स की गुड यहाँ पे सिलेक्शन है। सबसे पहले बात करें तो इनके पास डीजे ब्रावो की सेना है, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे सैकनर है, उसके बाद ग्रेट कॉजी है, यानी कि ओवर एंड ऑल अगर बात करें तो इनके पास अच्छे खासे यहाँ पे ऑलराउंडर्स की फौज है, और ये चीजें इन्हें सच में काफी ज्यादा बेहतरीन लगेगी। और गाइस, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखती हुई नजर आ रही है। तो गाइस, फाइनल बात करने वाले दूसरे चीज के बारे में, और ये है वीकनेस को लेके। हाँ गाइस, वो वीकनेस की बात होगी कि आखिर देख लिया जाए कि इस टीम के पास कौन कौन सी वीकनेस सामने नजर आएगी। सबसे पहले बात करें तो वन डाउन की प्रॉब्लम। हाँ गाइस, अगर आप यहाँ पे इनकी पूरी स्कोर उठाकर देखेंगे तो वन डाउन पे अभी भी बल्लेबाजी को लेकर काफी ज्यादा दिक्कत करती है, क्योंकि किसी भी टीम को अगर आप देखेंगे तो उनकी वन डाउन की बल्लेबाजी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि टीम को वहीं से उभारना और गिराना पड़ता है। यहाँ पे इनके वन डाउन की प्रॉब्लम दिखती हुई नजर आएगी। दूसरी बात करें तो शॉर्ट बॉलिंग लाइनअप। हाँ गाइस, अगर इनकी लाइनअप देखेंगे, बॉलिंग लाइनअप देखेंगे, तो आपको कोई भी अच्छा एक इफेक्टिव यहाँ पे बॉलर ही दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इनके पास बॉलिंग की कमी है, जो काम चेन्नई में दिखती हुई नजर आ रही थी वो सेम काम यहाँ पे इनको दिखती हुई टेक्सास को नजर आ रही है। वहां पे एमएफ धोनी ने संभाल ले गए, अब यहाँ पे देखना होगा फाफ डुप्लेसिस कितना संभाल पाते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉलिंग प्रॉब्लम इनकी रहने वाली है। तीसरी चीज की हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्लेइंग इलेवन बनाने में काफी दिक्कत होने वाली है, इन्हें प्लेइंग इलेवन बनाने में काफी मुश्किल आने वाली है, किसे ले किसे बाहर करें, कौन से खिलाड़ी को अंदर कौन से खिलाड़ी को बाहर, अब ये चीजें इन्हें काफी ज्यादा परेशान करने वाला है और ये इनके तीसरे यहाँ पे वीकनेस रहने वाली है। तो गाइस, पहली बात करने वाले अपॉर्चुनिटीज के बारे में, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम को भाई ज्वाइन कर लीजिएगा, इस टाइम पे सबसे बेहतरीन काम वहां पे चल रहा है। इस टाइम पे भी आईपीएल, वर्ल्ड कप और हर चीज से रिलेटेड यहाँ पे भर भर के आपको खबरें मिल रही है, तो फटाफट से जाइए वहां पे फॉलो करिए, और साथ में हम लोग लिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आप फ्री में सब चीज देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी लीग अगर आप फ्री में देखती है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज पहली बात करने वाले अपॉर्चुनिटीज की, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है लोकल प्लेयर्स को लेके। लोकल प्लेयर्स अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो लीग होने वाली है वो आईपीएल के तर्ज पे हो रही है, और अगर आप यहाँ पे अपना नाम बना लेते हैं तो ऑप्शन में आप माला माल हो सकते हैं, नीलामी में आपके ऊपर पैसे बरस सकते हैं, और ये लोकल प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। दूसरी बात करें तो वही कॉजी अगर बेहतर यहाँ पे खेलते हैं तो ऑप्शन में चेन्नई इन्हें ले सकती है, तो कॉजी काफी बड़े यहाँ पे फ्लैश लाइट में रहने वाले हैं, और ये अगर बेहतर करेंगे तो चेन्नई इन्हें जरूर से रिटायर लेती हुई नजर आने वाली है। तो गाइस, ये तो बात हो गई अपॉर्चुनिटी, हम बात करने वाले थ्रेट्स की। हाँ, एक बार थ्रेट्स देख लिया जाए क्या है, तो गाइस इनकी जो सबसे बड़ी थ्रेट सामने निकल के आएगी अंबती रायडू को लेके। हाँ गाइस, अगर बात करें ओवर एंड ऑल अगर व्यू की बात करें तो अंबती रायडू की इनके प्लेइंग इलेवन में जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही है, अगर आप कायदे से देखेंगे, अब देखना होगा इन्हें कहाँ पे फिक्स करते हैं। दूसरी चीज की हम लोग बात करें तो कॉजी और सैकनर में ये काफी ज्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि आप सिर्फ 6 ही ओवरसीज खिलाड़ी खिला सकते हैं,
तो वहां पे सैटनर और कॉक्सी में से कोई एक खिलाड़ी ही लग रहा है अगर यहाँ पे पूरी प्लेइंग 11 देखा जाए तो दिखता हुआ नजर आ रहा है और ये इनकी सबसे बड़ी थ्रेट रहने वाली है। सो गाइस ये थी वो पूरी चीजें जो कि मैंने आपको बता दिया है, पूरी स्वॉट एनालिसिस कर दिया है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी, कौन सी इनके लिए सबसे अच्छी चीज है। सो गाइस फाइनली आप बताइए कि आपके लिए कौन सी खबर की सबसे अच्छी, आपको क्या लगता है कौन सी चीजें एड ऑन करना चाहते हैं आप जरूर कर लीजिएगा। वीडियो फिर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए वीडियो एंड करते हैं।